नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके टेक्निकल पंजाब में। तो आज हम बात करने वाले हैं YouTube SEO के बारे में। YouTube SEO क्या है इसके बारे में हम बता दें आपको कि अगर हम इसका इंग्लिश में मतलब निकालें तो ये होता है सर्चिंग इंजन ऑप्टिमाइज। तो अगर हिंदी में इसका सीधा सा मतलब लेते हम, अपनी वीडियो को सर्च में करके डालना, यानी कि कोई भी अगर उस टॉपिक को सर्च करे तो हमारी वीडियो उसके पास सर्च में जानी चाहिए, यही होता है SEO का मतलब। हाँ दोस्तों, ये SEO का वैल्यू बहुत है YouTube पे। सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर हम मानते हैं तो SEO का ही माना जाता है YouTube पे। आप किसी भी बड़े क्रिएटर से अगर पूछोगे कि सर वीडियो रैंक कैसे करता है, तो वो यही कहेगा कि आप अपनी वीडियो का SEO अच्छे से करें। अब आप वीडियो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, उसका थंबनेल भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन वीडियो का SEO नहीं करते तो आपकी वीडियो रैंक नहीं कर पाती। तो क्योंकि छोटे क्रिएटर SEO को समझ ही नहीं पाते कि SEO होता क्या और कैसे किया जाता है। बाकी उस पर जिस तरह से बड़े क्रिएटर बताते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है SEO करने पर, और कोई भी क्रिएटर जो नया होता वो इतना काम नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल तरीका, सिर्फ एक ऐप की मदद से आप 2 मिनट में अपनी वीडियो का SEO कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ अपनी वीडियो अपलोड करनी होगी और उसका टाइटल लिखना होगा, बाकी सारा काम ऐप अपने आप कर देगी, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं आपको कौन सी ऐप है और किस तरह से ये वर्क करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पे YouTube से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी देते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करनी होगी ऐप। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर पर। तो आ चुके हैं हम प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको ऊपर सर्च बार दिखाई देगा, और सर्च बार में आपको टाइप करना होगा vidIQ VIDIQ और बड़ी आई और क्यू, तो ये वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। इंटरफेस आप देख सकते हो, इस तरह का इंटरफेस होगा। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, मेरे पास डाउनलोड है तो मैं यहाँ से सीधा इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि वीडियो को SEO ये कैसे करती है। तो आपको इसको डाउनलोड करने के बाद अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना होगा, उसी जीमेल से लॉगिन करना है जिस पे आपका वो चैनल बना होगा जिस पे आप वीडियो अपलोड करते हैं। को बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि ये यूट्यूब की तरफ से सर्टिफाइड है और सभी जितने भी बड़े क्रिएटर हैं वो सब इस ऐप को यूज़ करते हैं, और मैं भी करता हूँ। मैं अभी आपको इसे SEO करके दिखाऊँगा अपनी वीडियो का। वीडियो अपलोड हो चुका है हमारा, उसके बाद हमें अपने YT स्टूडियो में आ जाना है। तो YT स्टूडियो ओपन करके अपना जो वीडियो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो हमने सेलेक्ट कर लिया, थंबनेल हमने लगा लिया उसका, और अब हम इसका टाइटल लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का टाइटल लिखता हूँ, मेरी वीडियो है YouTube SEO। तो आपको अपनी वीडियो का टाइटल लिखना है जो भी होगा। मैंने टाइटल की पहली लाइन लिख दी है, अब मैं दूसरी लाइन लिखूँगा YouTube वीडियो का SEO कैसे करें। तो इसी तरह से आपको भी अपनी वीडियो का जो भी टॉपिक होगा उसी तरह का टाइटल यहाँ पर लिख देना है और सेव कर देना है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी हम यही टाइटल लिखेंगे और सेव कर देना है, और उसके बाद हमें नीचे मोर वाले ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे आपको ऐड टैग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैंने निशान दे दिया। इस पे जाकर भी आपको टाइटल लिखना है, जैसे मैंने लिखा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारे टाइटल की पहली लाइन थी YouTube SEO, तो ये लिख के आपको ओके कर देना है। जो भी आपके टाइटल की पहली लाइन होगी वो लिख के आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको अपने टाइटल की दूसरी लाइन लिखनी है उसी तरह से और ओके कर देना है। यहाँ पर 2 टैग आपके लग चुके होंगे, अब इसे हमें सेव कर देना होगा बैक जाकर, और उसके बाद हम उस ऐप में चलेंगे जो ऐप हमने डाउनलोड की है। अब मैं उस ऐप को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो YouTube सर्टिफाइड लिखा हुआ है ऐप के ऊपर, तो ये YouTube की तरफ से सर्टिफाइड है। ओपन हो चुका है मेरा ऐप, मैंने इसको अपने चैनल से लॉगिन किया हुआ है। आपको सबसे पहले इसको अपने चैनल से लॉगिन कर लेना होगा और उस वीडियो को सिलेक्ट करना होगा जो आपने अपलोड किया, वो यहाँ पर आ जाएगी वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वो वीडियो सिलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पे इसका जो SEO 19% दिखा रहा है। तो अब हम इसका फुल SEO करेंगे, ऊपर को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ देख सकते हैं हमारे 2 टैग जो हमने लगाए थे वो आ चुके हैं, दोनों लगे हुए हैं। तो नीचे ये ऐप हमें कुछ और टैग रिकमेंड करेगा, यहाँ पे उन पे ब्लू कलर का प्लस का आई निशान लगा हुआ है। अब आपको एक एक करके इन तीनों पर टच करना होगा, तो ये अपने आप पर वीडियो में लग जाएंगे, और नीचे लिखा आएगा ब्लू कलर में सेव योर चेंज, मैंने निशान दे दिया। इस पर टच कर देंगे तो ये टैग अपने आप ऊपर लग जाएंगे। सेव करने के बाद फिर से नीचे 3 टैग अपने आप आ जाएंगे, तो फिर से आपने इन तीनों टैग्स को एक एक करके टच करना और सेव योर चेंज पे टच कर देना, और ये लग जाएंगे। तो कितना अच्छा ऐप है, अपने आप हमें टैग फाइंड करके दे रहा है, तो ये इसके द्वारा फाइंड किए हुए टैग एकदम रैंकिंग में रहते हैं।
तो ऊपर देखोगे आप हमारा जो SEO है वो भी बढ़ता जाएगा। तो ऊपर आप देख सकते हैं जो SEO 19% था वो 44% हो चुका है। तो जितने भी टैग आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे उन पे आप टच करके सेव करते जाना और आपका SEO एकदम बढ़ता जाएगा, ये 46 से 48 के बीच पहुँच जाएगा। तरह से आपको सभी टैग लगा लेने हैं, जब ये पूरे हो जाएंगे तब अपने आप ये लगने बंद हो जाएंगे, ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ आ जाएगा। आप ऊपर देख सकते हो हमारी वीडियो का जो सर्च लेवल है वो 48% हो चुका है, यानी कि वीडियो पूरी सर्चिंग में आ चुकी है और ऊपर रेड कलर में लिखा हुआ आ गया कि अब टैग लगने बंद हो चुके हैं। अब इतना करने के बाद आपको एक छोटी सी सेटिंग और करनी है, इधर साइड में चेकलिस्ट लिखा हुआ है, मैंने निशान दे दिया वहाँ पर, उस पर टच कर लेना है और देखना है वीडियो में क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। देख सकते हैं आप हमारी वीडियो की जो लिस्ट है वो खुल गई है। सबसे पहले टाइटल लेंथ है, टाइटल लेंथ है जो 60 शब्दों में होनी चाहिए तो वो हमारा बिल्कुल ग्रीन टिक में है। तो टैग लेंथ है हमारा वो भी ग्रीन कलर में है, लेकिन डिस्क्रिप्शन है जो हमारा रेड कलर में है वो हमारा सही नहीं है। तो इसके सामने निशान दिया, उस पर हम टच करेंगे और अपनी डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जैसे हमें टैग दिए थे पहले, यहाँ पर हमें कीवर्ड सुजेस्ट किए हुए हैं, नीचे इस तरह से कीवर्ड आ जाते हैं बने हुए। तो अब जैसे हमने टैग लगाए थे इसी तरह से हम कीवर्ड पर टच करेंगे और यहाँ पर कीवर्ड ऐड होते जाएंगे। इसी तरह से हमें कीवर्ड को सिलेक्ट करते जाना एक एक करके, जैसे हमने टैग किए थे तो यहाँ पे कीवर्ड है जो लाइन में रखने हमने, जैसे एक आ गया उसके बाद हमें नीचे कर लेना कर्जर अपना और फिर दूसरा कीवर्ड, फिर तीसरा, इस तरह से जितने कीवर्ड हमें मिलते हैं यहाँ पे सभी हम टच करके लगा देंगे और ऊपर सेव का ऑप्शन मिलता है तो सभी लगाने के बाद हम सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने उसको सेव कर दिया और यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन लेंथ है वो भी ग्रीन टिक में आ चुका है और ग्रीन हो चुका है, ये भी सही है। तो उसके बाद हम ऊपर को स्क्रॉल करके देखते हैं कि नीचे क्या क्या हमारा रेड कलर में है। तो नीचे लिंक है, जो एक लिंक देना होता है हमें अपनी डिस्क्रिप्शन में तो वो हमने नहीं दिया, तो नीचे देख सकते हैं एक हैशटैग नहीं दिए। अब हम सबसे पहले नीचे जो हैशटैग का ऑप्शन है उस पर टच करेंगे तो हमारी डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी और वहाँ पर हम हैशटैग लगाएंगे तो हमारी डिस्क्रिप्शन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम हैशटैग लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहला हैशटैग अपने नाम का लगाता हूँ, जैसे हैशटैग लगा दिया उसके बाद मैं अपने चैनल का नेम लिखता हूँ AK टेक्निकल पंजाब। तो दूसरा हैशटैग मैं लगाता हूँ अपने टाइटल के मुताबिक, आपको अपनी वीडियो के टाइटल मुताबिक हैशटैग लगा लेना है। तो इस तरह से आपको 4 हैशटैग लगाने होते हैं, आप 15 लगा सकते हो लेकिन मैं 4 से 6 के बीच ही लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 4 हैशटैग लगाने के बाद ये भी हमारा ग्रीन टिक हो चुका है। इसके बाद हम लिंक पर टच करेंगे और अपना एक लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे मैं अपना ट्विटर का लिंक दे रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे सकते हैं, कोई भी लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम बड़े क्रिएटर तो सारे लिंक लगाते हैं तो आप भी अपने लिंक यहाँ पे लगा सकते हो। तो लिंक लगाने के बाद आपको सेव कर देना है तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा लिंक वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ग्रीन टिक में आ चुका है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिल्कुल आसानी से आपका जो SEO था वो हो चुका है और इसके बाद आप अपनी वीडियो को पब्लिक कर सकते हो। तो देख सकते हो आप हमारा जो वीडियो है पूरा सर्चिंग में हो चुका है, अब कोई भी इस टॉपिक को सर्च करेगा तो YouTube उसके पास हमारी वीडियो को रिकमेंड ज़रूर करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो का SEO करना अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमारी इंस्टा ID का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।